और यहाँ पर टायर, वहाँ पर बैठने के लिए भी ठीक सी जगह नहीं है। वो क्या है वो? गाइस मेरी आपको स्टील बोट देखने की मिलने वाली है अभी। यहाँ पर कोलंबिया सामने देख के चल। ए बोटिंग भैया कितने का है? राम राम मेरे भाइयों और भाइयों के बहना। तो आज हम जाने वाले पंडरपुर, जो कि यहाँ से कम 160 किलोमीटर दूर वहाँ पर विठ्ठल और विठ्ठल रुक्मणी जी की मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग दर्शन करने जाने वाले उनके। तो फाइनली गाइस बहुत दिन के बाद मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहा हूँ, इस पर फुल सपोर्ट चाहिए मेरे को। एंड जो डेली व्लॉग नहीं करने वाला भाई लोग, मेरे को पता है डेली व्लॉग तो नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड तक देखना वीडियो, बहुत मजा आया इस व्लॉग में। को तो पता ही है हमारे व्लॉग खतरनाक ही होते, समझ रहे हो तुम। चलो चलते हैं व्लॉग की तरफ। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पर टायर भी है, यहाँ पर देख लो क्या भयंकर सीट है। और खर्चा तो ऐसा ले रहा है भर भर के पैसा। चेक दिस आउट, ओ भाई पीछे है एंड एकदम भयंकर सीन हो रहा है यहाँ पर, मतलब झटके झटके। और यहाँ पर टायर, वहाँ पर बैठने के लिए भी ठीक सी जगह नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते यार यहाँ पर, ये भगवान क्या जुलूम है। हम लोग पहुंच चुके हैं पंडरपुर एंड मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग टोपी भी नहीं लेके आए, कुछ नहीं लेके। अभी ना एकदम भयंकर वाली गर्मी है, ऑलमोस्ट बज चुके 12:30 एंड हम लोग निकलते हैं सुबह सुबह। कितने बजे निकलते हैं हम लोग? 8:30 बजे और अभी बजे 12:30। ऑलमोस्ट 4 घंटे का सफर था भाई। अब नदी है, नदी है, स्नान करने वहाँ पर स्नान भी कर सकते हो। और मैंने तो टावल भी सब कुछ ला दिया है, क्योंकि यार मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। ये देखो वहाँ पर यहाँ से चलकर जाना पड़ता है फुल यहाँ, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना, थोड़ा पता नहीं है। तो मम्मी भी फर्स्ट टाइम आ रही है शायद से, है ना? हाँ। आपको पता, इतनी भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर। नहीं लाया टोपी, टोपी थी हमारे पास लेकिन नहीं लाई भाई। जल्दी जल्दी में मेरा चश्मा भी छूट गया घर पर ही। अच्छा, फुल ब्लैक हो चुका, मेरा पाउडर भी निकल चुका है। अभी चेहरा धोते हैं फुल पाउडर। स्नान तो हम लोग करने वाले, धूम मचा लिए। तो गाइस एक गेम खेल रहा था, मतलब बस के अंदर चार्जिंग नहीं है फोन के अंदर। पहले नदी को क्या कहते हैं हमें? वहाँ पर पंडित जी है गाइस, मतलब वो पहले भी आ चुके शायद से, उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। चेक दो साउथ, शायद आप लोगों को दिख रही होगी इतनी बड़ी नदी, आगे मंदिर भी है। बहुत हिट हो रही है, बहुत हिट। चंद्रभागा नदी के एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे लोग आते हैं, आई है भी आज भी। देखो लोग शायद आप लोगों को दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे। नदी कुट लिया, ये चंद्रभागा ही है, चंद्रभागा नदी का है। अंकल जी हमको गाइड कर रहे हैं, सब बताने वाले है। बताओ ना वहाँ गए, बात बताओ। हाँ मम्मी मेरी तो पीछे रहती है, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं ना आप लोगों को बता दूँ, दादा जी के आने लगी है नदी भाई, एकदम मस्त फील आ रहा है। आप लोग देखो पीछे ना, वो क्या है वो? मठा है, मठा बंदे से मठा, महाराज लोग मठा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वहाँ पर महाराज रहते थे क्या? वो दिख रहा ना, वो वाला कृष्णा के मठा। आप लोगों को समझ आया होगा, ऐसा लग रहा है समुन्द्र के किनारे। अबे साले तभी किनारे आ चुका, किनारे। गाइस पता नहीं मेरी माँ इतनी स्लो क्यों आ रही है, वैसे भी इतनी भयंकर धूप लग रही है ना। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। नहीं ज्यादा, मेरे को तो तैरना नहीं आता। अभी साइड साइड में हम लोग नहा लेंगे, यहाँ पर नहाने के बाद दर्शन करने के लिए मंदिर। दादाजी को क्या एनर्जी आएगी भाई, सब पीछे और ये सबसे आगे। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं वहाँ से, 1 किलोमीटर तक है। गाइस मेरी आपको स्टील बॉडी देखने को मिलने वाली है अभी। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अंदर, ज्यादा हम लोग घेरे के पास नहीं जाने वाले। यहाँ पर पालकी चल रही है, तो वहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अरे गंदा यहाँ पर पानी, तो इधर आ, इधर 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 थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पर पलंबिया सामने देख के चल, इधर इधर भाई, ये तो मार डालेंगे हम लोगों। ए बोटिंग भैया कितने का है? 50 रुपए एक मार। आज हमारे पास घर खाने का पैसा नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए खाट ओवर एक्टिंग के वजह। इसको तो अलग ही ऐसा चढ़ रहा है भाई। वाह मतलब वाह, हम लोग इस पानी से निकल रहे हैं फाइनली। ये देखो ये तो अलग ही इसका सीन है गाइस। फाइनली हमारा नाना बिना सब हो चुका है एंड मैं टीका भी लिया लगाया है मामा जी से।
बाजीगर। खाना पीना कुछ नहीं है, सुबह सुबह ना हम लोग चाय और बिस्किट खा कर निकले थे घर से, तो खाना पीना कुछ नहीं था। फोटो फोटो लेंगे भाई, फोटो निकालना तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने मतलब पानी के अंदर जाकर फोटो निकालेंगे भाई। बोटिंग करने में 50 रुपए, फोटो निकाल सकते हैं भैया जी। भैया का रिएक्शन कुछ अलग ही था। A few moments later. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी कुंडलिका के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये रहा कुछ मंदिर। तो गाइस अभी हम ना आ चुके हैं, फिलहाल मैं तो दो दो बार नहाया। यहाँ पर ना खाना ही बट रहा है हमारे लिए, केवल खाने पीने के। उस लोग आप लोग खा सकते हो खाना है तो। काका जी कहाँ पर गए? रोटी कौन छोड़ेगा? इधर है काका जी। चप्पल यहाँ पर हम लोग छोड़ने वाले हैं। हाँ 80,000 की चप्पल गाइस 150 रुपया देगा। जगह जगह पर मंदिर है, हम लोग को 2 मिनट के अंदर ही चप्पल उतारनी पड़ती है और दर्शन करना पड़ता है। फिर लास्ट एक मंदिर है जो कि मेन मंदिर विठल रुक्माई जी का, तो शेक दस आउट गाइस, वो वाला आप लोगों को दिख रहा होगा। भगवा झंडा वहाँ पर लहरा रहा है गाइस, वही है अपना मंदिर। तो अभी चलते है सीधा, लेकिन चेक दस आउट कितनी ज्यादा सीढ़िया यहाँ पर है ना, चढ़ पाएगा तू सीढ़िया? कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पर आने के बाद? मतलब नदी में अच्छा लगता है क्या? काका जी तो आगे ही भाग रहे भाई, यही रहा मंदिर। काका जी के हम लोग पीछे ही चल रहे हैं, हमको तो पता नहीं है कुछ यहाँ का ज्यादा। स्टॉल से गए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी। अभी चलने वाले सीधा मंदिर के बाद, भाई आखिरी मंदिर नहीं था भाई, मंदिर है मंदिर है यहाँ पर, मेन मंदिर सब मेन मंदिर है वैसे तो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। पब्लिक में ब्लॉग बना रहा, कोई डर नहीं लग रहा मेरे को। चलो गर्मी भी है और भीड़ भी है, हालत खराब हो रही है यहाँ पर हमारी। क्या लग रहा है तेरे को यहाँ पर आने के बाद? इसको आगे आगे चलते भाई, क्या देखते हो क्या नहीं देखते, क्या होता है क्या नहीं देखते फिलहाल, एंड मजा करो। गाइस हमारा दर्शन हो चुका है एंड अभी बज रहे 4, मैंने यहाँ पर 12:30 बजे बैग छोड़ा था, अभी बज रहे 4, सर दर्द कर रहा है फिलहाल मेरा। मैं पानी में गया था, पानी में जाने के बाद क्या होता है आपको पता है, मेरे को पानी की थोड़ी बहुत एलर्जी है। यहाँ पर आ रही है फॉर्चुनर, माय ड्रीम आ रहा है यहाँ पर, एक दिन लेके आएंगे गाइस, सबर करो सबर। फाइनली दर्शन तो हो चुका है एंड अलाउड नहीं था कैमरा, तो इसलिए मैंने शूट कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर हम बैग में डालकर ये फोन रखे थे, तो अंदर थोड़ा सा भी शूट अलाउड नहीं है एंड भयंकर ही भयंकर भीड़ के भाई साहब। हम लोगों ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी चलने वाले हम सीधा खाना खाने के लिए, तो बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड मेरा सर भयंकर ही दुख रहा है। A few moments later. फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट एक मंदिर है। देखो गाइस टांगा, पुराने जमाने का टांगा, ये मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है, दिमाग खराब कर दिया है भाई। पहले की रियलिटी। हम लोग आ चुके हैं पंडित जी के घर, या फिर हाँ घर ही समझ लो, वहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना पीना करते बाकी चलते हैं हम लोग, पता है कहाँ पर। ओके गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, खाना तो खा लिया है लेकिन भाई सर दर्द कर रहा है फिलहाल। और गाइस वेदर चेक करो, पूरा ब्लैक हो चुका है, 6-10 आउट पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्लैक। ऑलराइट गाइस हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो, तो फाइनली यहाँ से चलते हैं फटाफट से बस स्टैंड, और ऑटो वाले वो भैया भी आ चुके हैं, सॉरी उन्होंने ही छोड़ दिया। अभी ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर दूर है, हम लोग आ चुके हैं पंडरपुर बस स्टैंड यहाँ पर। जाने वाले ऑलमोस्ट मौसी के यहाँ। ये कब प्लान बना भाई?